लुधियाना के बरोटा रोड स्थित निजी जिम में ओपन बेंच प्रेस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें 100 के करीब लड़कों और 50 के करीब लड़कियों ने भाग लिया। जीते हुए खिलाड़ियों को इनाम भी तकसीम किए गए। वहीं पर गौरव अरोड़ा, एशिया पावरलिफ्टिंग चैंपियन पंजाब प्रधान, ने कहा था कि ये प्रोग्राम पंजाब की जवानी को बचाने के लिए जरूरी है तथा ऐसे प्रोग्राम नौजवानों को स्पोर्ट्स की ओर उत्साहित करते हैं। मैं गौरव अरोड़ा, क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम तो। सब तो पहला तो मैं कहना चाहना कि बड़ी खुशी की गल है कि जो मैंने इतने बुलाया गया सी जेडी फिटनेस के ओपन बेंच प्रेस वुमेन चैंपियनशिप के, जिस तरह की असं सारे जानते हैं कि पंजाब जिहड़ा आ नशियां दे दरिया वजो जाणिया जांदा, पर उस दरिया नूं खत्म करन दे लई अज गली मुहल्लियां दे विच वी इस तरह के जिहड़े कॉम्पीटिशन करवाए जा रहे ने, और अज इसे लड़ी नूं याद रखते हुए ओपन बेंच प्रेस कॉम्पीटिशन करवाया गया, जिस विच 100 तो वध मुंडिया ने अते 50 तो वध कुड़िया ने पार्टीसपेट किया। तो बड़ी खुशी की गल है कि लोग जिहड़े ने नशे के प्रति अवेयर हो के फिटनेस प्रति जा रहे हैं। मैं इस गल की पूरी फिटनेस टीम को बधाई दिना। सत श्री अकाल सारिआं नूं, मैं जेडी फिटनेस सेंटर तो जयदीप शर्मा। मैं तो सारिआं नूं यही कहना चाहुंदा भी इहो जिहे प्रोग्राम मैं कल्ला नहीं, जिन्ने भी जिम ने सब नूं करवाउणे चाहीदे ने। इहदे नाल साडा पंजाब तो चलो असीं नहीं पूरा दूर कर सकते, पर कि लुधियाणा जिहड़ी ग्रीन सिटी आ उहनूं एक्चुअल च ग्रीन सिटी बनाउणा चाहुंदे हां। तो इहो जिहे कंपीटीशन हफ्ते च नहीं पर महीने च इक अद्धा जरूर होना चाहिए हरेक जिम च, जिद ना मुंडिया का मुंडे मोटिवेट होने देख के तो नशे का दूर जाने। कंपटीशन 90 से 100 मुंडे तकरीबन पहुँच चुके हैं, कुछ नहीं आए, तो 50-60 कुड़िया ने भाग ले चुके हैं कंपटीशन के।